नमस्कार, गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों पर। सीएम के पिता ने 3 दिन बाद ही मांगी बेल। रायपुर कोर्ट के आदेश के बाद जेल से रिहा हुए नंद कुमार, गिरफ्तारी के बाद कहा था मुझे जमानत नहीं चाहिए, अब 4थे दिन लगाई याचिका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को जमानत मिल गई। शुक्रवार शाम को उन्हें जेल से कर दिया गया है रिहा। रायपुर जिला न्यायालय में उनकी जमानत याचिका पर हुई सुनवाई। उनके वकील गजेंद्र सोनकर ने बताया कि कोर्ट ने 10,000 रुपए की जमानत पेश करने के बाद नंद कुमार बघेल को रिहा करने का आदेश दिया। रायपुर में शिक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों को राहत, अनुकंपा नियुक्ति और कोविड में दी गई सेवाओं की होगी समीक्षा। अफसरों की टीम पात्रता और सेवा शर्तों की जाँच कर सरकार को देगी रिपोर्ट। पाकिस्तान बॉर्डर पर मिला छत्तीसगढ़ का लापता रामलाल 4 साल पहले गायब हो गया था। परिवार ने 10 गात्र कर समाज को भोजन भी करा दिया। पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने भारत पाक बॉर्डर के पास से कवर्धा के एक युवक को पकड़ा है। पकड़े गए युवक का नाम रामलाल बताया जा रहा है, जो कि कुकदूर के कांदावली पंचायत के आश्रित गाँव चीरपाली का रहने वाला है। रामलाल करीब 4 साल पहले से लापता था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिसकर्मी जब रामलाल के गांव पहुंचे तो सभी लोग हैरान रह गए। यह पता चला है कि घर वालों ने रामलाल को मरा समझकर उसका 10 गात्र भी कर दिया था, साथ ही पूरे समाज को भोजन भी करा दिया है। बीजापुर में बारिश ने सड़क पर उतरे ग्रामीण जवानों पर लगाया आरोप। छात्रावासों से बच्चों को उठाकर ले गए नक्सली बताकर जेल में डाला, कहा रिहाई होने तक जारी रहेगा आंदोलन। सिविल जज परीक्षा की अंतिम सूची को चुनौती। हाई कोर्ट ने कुछ कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक। चयन में अनदेखी का आरोप। अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होनी है। बिलासपुर में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर HC ने लगाई रोक। हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 2 हफ्ते बाद होगी सुनवाई। व्यापम ने 2019 में 2,896 पदों पर निकाली थी भर्ती। राजनांदगांव कोरोना संक्रमण का गेटवे, महाराष्ट्र बॉर्डर के जिले की बढ़ी चिंता। कलेक्टर ने अधिकारियों को सावधान रहने के दिए हैं निर्देश। पिछले 10 दिनों में 16 संक्रमित और 1 की हुई है मौत। जगदलपुर में 14 जवानों के हत्यारे ने डाले हथियार। बीजापुर पुलिस के सामने मिलिशिया कमांडर ने किया सरेंडर, कई वारदातों में रहा शामिल। राजनांदगांव में 26 जवान है बीमार, इसमें 9 को है डेंगू। 17 की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में अब डेंगू और टाइफाइड भी तेजी से फैल रहा है। जानते हैं मौसम अपडेट। छत्तीसगढ़ को मानसून का कोटा पूरा करने 280 मिलीमीटर बारिश की है जरूरत। यह सितंबर के बचे हुए 21 दिनों में ही पूरा करना होगा। इसके लिए रोज 13 मिलीमीटर वर्षा की जरूरत है। फिलहाल इसके आसार कम लग रहे हैं, क्योंकि सितंबर में हर दिन का औसत ही 7 मिलीमीटर के आसपास है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि प्रदेश के सभी हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, तब उम्मीद की जा सकती है कि मानसून का कोटा पूरा होने लायक पानी मिल जाए। कांकेर में कमजोर बारिश का नतीजा आया है सामने। नवंबर के आखिर में होने वाली सीताफल की प्रीमैच्योर फसल 2 माह पहले ही बाजार में आने लगी है। स्वाद भी पहले जैसा नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे YouTube चैनल गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।